हेलो, वेलकम टू सेलेक्ट आईएएस। इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को देख करके आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके या फिर मंथली मैगजीन पढ़कर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ कैसे लिंक करना है। इसीलिए सेलेक्ट आईएएस ने एक सीरीज़ लॉन्च किया है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ कैसे लिंक करना है। करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और ये काफ़ी शॉर्ट वीडियोस होंगे, अराउंड 5 to 6 मिनट्स के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सीरीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले टाइम में यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथी कम्युनिटी आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। उसका रीज़न ये है कि मणिपुर स्टेट में रिसेंटली हमने मेथी और कुकीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखा है, और इसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी मिलिट्री को भी भेजना पड़ा था। इस वायलेंस के रीजंस क्या थे इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि मेथी कम्युनिटी एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कुकीज़ नहीं चाहते हैं कि मेथी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। इसके वजह से इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा टशल है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। रिसेंटली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी मणिपुर विजिट पर हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि कमीशन या फिर कमेटी बनाई जाएगी जिससे हमें पता चल सके कि इस वायलेंस के रीजंस क्या थे और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिससे इस तरह के वायलेंस को रोका जा सके फ्यूचर में। ये बात हो गई करंट अफेयर्स की। चलिए हम कुछ स्टैटिक पर बात कर लेते हैं। मणिपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर स्टेट 1972 में बना था, ठीक है। 1972 में मणिपुर के साथ साथ और दो स्टेट बने थे, वो है त्रिपुरा, ठीक है, दूसरा है मेघालय, और तीसरा ये है मणिपुर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 371C के अंडर में मणिपुर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि मणिपुर को 6th शेड्यूल के अंदर नहीं रखा गया है, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मणिपुर को भी 6th शेड्यूल के अंडर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपको पता है 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। एक तो असम होता है, ठीक है, एक त्रिपुरा है, और मेघालय है, और चौथा मिजोरम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। मेथी पीपल आपको मणिपुर में मिलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ में भी आपको मिलेंगे, उनमें से हैं म्यांमार और दूसरे बांग्लादेश। जब कोई क्वेश्चन आए कि मेथी कम्युनिटी सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो म्यांमार और बांग्लादेश में भी मिलते हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो मोस्टली हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि मेथी कम्युनिटी सिर्फ हिंदुइज़्म को ही नहीं फॉलो करते हैं, दूसरे रिलीजन्स को भी फॉलो करते हैं। फिर अगर हम इनके लैंग्वेज की बात करें तो मणिपुरी एक लैंग्वेज है जिसको मेथी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मणिपुरी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, ठीक है। 8th शेड्यूल क्या होता है, टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इन 12 शेड्यूल्स में से 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। एक फैक्ट और भी याद रख लीजिएगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू मणिपुरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था, वो है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मणिपुरी लैंग्वेज के साथ दो और लैंग्वेजेस थी जिनको 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था, वो थी नेपाली और दूसरी कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगर हम इनकी डांस फॉर्म्स की बात करें तो एक डांस है लाई हरोबा, ठीक है, उसकी पिक्चर आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह के डांस परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा है मणिपुरी डांस, ठीक है। तो मणिपुरी डांस एक तरीके से वन ऑफ दी 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 8 क्लासिकल डांस क्या होते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। तो 8 क्लासिकल डांस में से मणिपुरी डांस है, ठीक है। तो इस मणिपुरी डांस को अगर आप देखो देखना है तो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो थीम है ना वो होता है राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण का थीम होता है इसमें। एक तरीके से ये जो जितने भी ये लेडी बनी हैं, ठीक है, ये राधा होती हैं, ठीक है, ये कोई एक पर्सन है वो कृष्णा का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से मणिपुरी डांस परफॉर्म किया जाता है, ये आप देख लीजिएगा इसको डिटेल में। नेक्स्ट जो डांस फॉर्म है वो है थांगता, ये एक मार्शल आर्ट होता है,
तो इसको आप देख लीजिएगा, इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि थांगता डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, मणिपुरी डांस के बारे में पूछा जा सकता है, लाई हरोबा के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो में मैंने मेथी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप मणिपुर का ज्योग्राफी देख लीजिएगा, ठीक है, ज्योग्राफी देख लीजिएगा कि इनके आसपास के स्टेट्स कौन से हैं। जैसे ऊपर नागालैंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, इधर असम मिल जाएगा आपको, इधर मिजोरम मिल जाएगा और इधर म्यांमार, ठीक है। तो इस तरह की ज्योग्राफी भी आप देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। कभी कभी प्रॉब्लम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस दूसरे स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।